नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम सहवासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। शुक्रवार को कांग्रेस भवन चैबासा में इंडी गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आपसी समन्वय बनाकर एकजुटता के साथ काम करने का निर्णय लिया गया। झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुवा, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की, झामुमो के जिला अध्यक्ष सह विधायक सुखराम उरांव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति और गठबंधन के प्रत्याशी जुबा मांझी के मौजूदगी में हुई बैठक में कांग्रेस, झामुमो और राजद तीनों दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में 21 अप्रैल को रांची में होने वाले उलगुलान रैली और 23 अप्रैल को महागठबंधन प्रत्याशी जुबा मांझी के नामांकन के दिन होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई। तय किया गया कि आगामी दिनों में जिला से लेकर पंचायत स्तर पर जोरदार और आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाएगा। क्षेत्र की जनता को बताया जाएगा कि भाजपा किस तरह असल मुद्दों से ध्यान भटकाती है और जनता को दिग्भ्रमित कर ठगने का काम कर रही है। बैठक में मंत्री और विधायकों ने कहा कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। देश की सरकारी संस्थाओं को बचाना मुख्य मुद्दा है। भाजपा के 10 सालों के शासनकाल में युवा, महिला, किसान और आदिवासी, दलित, पिछड़ी जाति के लोगों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। इन सभी वर्गों ने जब भी अपने अधिकारों की मांग केंद्र सरकार से की, बदले में सत्ता ने नशे में चूर और घमंड भाजपा सरकार ने इनके ऊपर लाठी डंडा और गोलियां ही बरसाने का काम किया है। भाजपा के तानाशाही नीतियों से देश की जनता काफी आक्रोश में है और सिंहभूम की जनता भाजपा के तानाशाही नीतियों का जवाब आने वाले 13 मई को महागठबंधन की प्रत्याशी जुबा मांझी के पक्ष में वोट देकर देगी। लगातार हम लोग कह रहे हैं और आज का इस बैठक में विशेष कह रहे जो भारतीय जनता पार्टी के आपका मोदी जी का जो झूठा वादा करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और जिस तरह से संविधान को हमेशा उन लोगों के द्वारा हमला होता है, आदिवासियों के साथ कैसे अपमान हो गया, माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया है, आदिवासियों का अपमान में महामहिम राष्ट्रपति जी को जिस प्रकार से आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी को जिसको भारत रत्न से नवाजा जा रहा था, उस अवस्था में प्रधानमंत्री कैसे बैठे रहेंगे और महामहिम राष्ट्रपति देश की पहला नागरिक सर्वोच्च पद की आदिवासी महिला को किस तरह उसको अपमान हुआ। मणिपुर की घटना पर चर्चा किया गया, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के माथे में जो पेशाब किया जाता है, हसदेव जंगल, फॉरेस्ट राइट वगैरह के बारे में जिस तरह के किया जा रहा है, ये तमाम ग्राम सभा को जो इस सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त किया जा रहा है, ये तमाम मसले को लेकर के कार्यकर्ताओं को और हमारे पदाधिकारियों को थोड़ा सा इनको ब्रीफिंग किया है। और विशेषकर आज का जो एक बैठक है, हम आपसी समन्वय कैसे बना पाएंगे और इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन हम लोग कर दे रहे हैं, जिसको हमारे माननीय यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष माननीय विधायक सुखराम जी उसको कोऑर्डिनेट करेंगे उसको उनकी में, और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे। इस बीच में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 11 संचालन समिति के किया जा रहे हैं और 6 विधानसभा में प्रभारी भी किया जाएगा, वार रूम भी किया जाएगा और ये पूरी चीज़ों को विशेष रूप से एक अभिभावक की भूमिका में देख रेख आपके देवेंद्र का चैंपियन को करेंगे। और ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी आपसी तालमेल बना के किसी भी हालात में हम ये चुनाव जीतेंगे, हमारे लिए चुनाव करो और मरो की तरह है, हम जब तक चुनाव नहीं होता है कार्यकर्ता नहीं सोएंगे, हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे जमीन के बारे, जंगल के बारे, आदिवासियों के साथ जो अपमान हुआ है उसके बारे, मूलवासियों के बारे और बहुत ऐसी चीज़ें हैं, उनको लोगों को बताएंगे और हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूती से इस लोकसभा चुनाव करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है कि ये सीट
इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगी, कोई संशय नहीं है। 100% भरोसा के साथ मैं कहता हूं कि ये सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। श्रीमती बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास के बावजूद कोल्हान में भाजपा साफ हो गई, चायवाला और चायबासा वाला जुमला भी नहीं चल सका। उन्होंने कहा कि जनता के मूड को देखकर कहा जा सकता है कि इस बार जोबा मांझी जीतेंगी। मोदी सरकार के 400 पार के नारे पर बोलते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि यहां संभव नहीं है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने बेईमानी की अब पाला बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि जब क्षेत्र में नहीं जाएंगे और जनता सवाल पूछेगी तो झामुमो पर गुंडागर्दी का आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। पिछला लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में लड़ा था, लेकिन कोल्हान में भी बोला कि भाई मैं चाय वाला आप चाय बासा वाले, उसके बावजूद भी कोल्हान जो है ना भाजपा मुक्त हो गया। विधानसभा चुनाव का भी पिछले बार आपने देखा कि पूरे देश में भाजपा की लहर थी, लेकिन कोल्हान का मूड कुछ दूसरा ही था। इसलिए हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे सीटों को चिन्हित किया और माननीय अमित शाह जी ने यहां से चुनाव अभियान की शुरुआत की है इस कोल्हान में। मंत्री जी, तो उसके बावजूद भी हम लोग जो जनता का मूड है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि आपकी बात जोबा मांझी है। तो हम 400 पार और उसमें नहीं, 400 पार की बतिया उधर दे रहे हैं यहाँ पर गठबंधन में, नहीं चलेगा। जो आदमी बेईमानी किया अब 5 साल से पाला बदलने से क्या होगा, बोलता है ना कि माने बोतल तो वही है, अब 5 साल से नहीं जाइएगा क्षेत्र में। और यदि आपको कोई टोका टोकी करेगा तो आप बोलिएगा कि जनम के गुंडा है, इंडिया गठबंधन के गुंडा हमको पीट रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। इसलिए 400 पार का तो खत्मे मान लीजिए, इस बार भी वही मूड है, इसलिए कोल्हान से तो मुक्त रहेंगे लोग, संतोष करने वाली। महागठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी ने कहा कि हम सभी को एकजुटता का परिचय देते हुए जल, जंगल और जमीन को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारी पहचान है। यदि बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी तो हमारे अस्तित्व को ही मिटा देगी। यहाँ के जल, जंगल और जमीन का अधिकार अपने चंद पूंजीपतियों के हाथों में सौंप देगी। तैयारी चल रही है और कहीं चूक ना हो इसके लिए विशेष आज बैठक किया गया, जैसे हमारे प्रभारी मंत्री जी ने आपके सामने बात रखा है। बस इसको हम लोग और कहीं भी किसी भी तरह का चूक ना हो इसके लिए हम लोग पूरा तहकीन के साथ। मैडम, कितनी चुनौती मान रही है, एक तरफ सिटिंग सांसद है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आपके सामने खड़ी है, मगर आप महागठबंधन में है, चुनौती क्या है? देखिए, चुनौती है, चुनौती को हम लोग सामना करने के लिए ये लगातार हमारी बैठक हो रही है। और पिछला चुनौती को आपने कह रहा कि सिटिंग तो इन्हीं सभी गठबंधन का सिटिंग है, उनकी सिटिंग नहीं है, गठबंधन की सिटिंग है, इसीलिए हम उसको इस तरह से। लेकिन चुनाव है, चुनावी तरीके से हम लोग चुनाव को सामना कार्य हो रहा है। और जो विरोधी है उनको जितने भी जितना भी विकास कार्य रहे उनको नजर दिया। अब एक एक करके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो 2019 में हेमंत जी का नेतृत्व में सरकार बनी, ऐसा ऐसा ऐतिहासिक कार्य जो आप लोग को पता ही होगा, आपके माध्यम से ये घर घर तक ये संदेश गए, सरकार अपनी द्वार कार्यक्रम के माध्यम से उन असहाय लोगों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन दिव्यांगों के लिए, एकल महिलाओं के लिए सर्वजन एकदम देश का पहला एक ऐसा राज है, सर्वजन पेंशन चल, ऐसी कई अनेक हमारे हेमंत जी ने काम किया है। इसीलिए इस तरह की बात एक बुरा करने की बात है, जनता जानती है, जनता समझ चुकी है कि हमारे राज्य में हेमंत जी का नेतृत्व में बहुत अच्छा से कार्य चल रहा है और कार्य आगे भी करेंगे। अभी हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी चंपई सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य का और तेजी से विकास होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और चक्रधरपुर विधायक सुखराम उराव ने कहा कि कांग्रेस, झामुमो और राजद तीनों संगठनों को समन्वय बनाकर जीत के लिए काम करना है।
बूथ से लेकर जिला तक कैसे काम करना है इसकी रणनीति बनाई गई है। हम बूथों पर फोकस कर रहे हैं, बूथ जीतेंगे तो चुनाव भी जीतेंगे। इसके लिए तीनों दलों के लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गठबंधन का जो सामान्य समिति कमेटी जो बनी है उसके लिए ही आज बैठक था और ये तो तैयारियां हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी दल के रूप में कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है, तो तीनों संगठन को जोड़ करके संगठन जीत के लिए काम करना है। इसीलिए सामान्य समिति बनाया जाता है कि जो बूथ से लेके पंचायत तक, पंचायत से लेके प्रखंड तक, प्रखंड से लेके जिला तक जो हमारा चुनाव लड़ने का जो रणनीति है वो रणनीति तैयार होती है। और बूथ में हम लोग का जैसा कि जवानों का जो फौज हमारा रहता है वोटिंग कराने का, उसमें सारे तीनों दल का लोगों का जो योगदान रहे, इसी के लिए ही आज जो हमारे बंधुदा का नेतृत्व में आज जो बैठक हुई है और उनके मार्गदर्शन में बहुत सारा टिप्स हम लोग को दिया गया मिला है। हमारे मंत्री जी से बहुत सारा टिप्स हम लोग को मिला है और जिला कमेटी जो है उस पर अमल करेगी और बूथ तक हम लोग ये लड़ाई को चुनाव जीतेंगे। बूथ की जीत भी तो हमारी लोकसभा जीत विधानसभा का जीत होती है, इसलिए हम लोग बूथ का फोकस करेंगे। तीनों कमेटी, तीनों पार्टी का जो बैठक, तीनों पार्टी का जो लोग है तालमेल बने और हम बूथ में अपने अपने क्षेत्र का बूथ को जीते, यही आज हम लोगों ने यहाँ से लेके जा रहे हैं और इस पर हम लोग एक टीम बनेगी तीनों तरफ से। और जैसा हम लोग को बूथ तक हम लोग को जाना है, प्रखंड में घूमना है, प्रचार प्रसार करना है, सारे चीज़ को हम लोग एक कमेटी बना के हम लोग उसको। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चैबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना, हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चैबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चैबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन, तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से शुक्रवार को नामांकन के दूसरे दिन 7 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा। नामांकन पत्र खरीदने वालों में 3 महिला उम्मीदवार और 4 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। नामांकन के दूसरे दिन तक कुल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा है, जबकि एक उम्मीदवार जॉन मिरन मुंडा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र खरीदने वाले उम्मीदवारों में भाजपा से गीता कोड़ा, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी से सुधा रानी बेसरा, लोकहित अधिकार पार्टी से सुभद्रा सिंकू, झामुमो उलगुलान से कृष्णा मार्डी, झारखंड पार्टी से अनंत कुमार सिंकू, बसपा से परदेशी लाल मुंडा और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से विश्व विजय मार्डी ने नामांकन पत्र खरीदा है। या 2024 का लोकसभा चुनाव में हम मजदूर और किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम जहां पर मजदूरों का हालात भी बहुत ख़राब है, जो पलायन कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं, और किसान जिनका पास खेत होते हुए पानी का सुविधा नहीं है और लोग जो है खेती नहीं कर पा रहे हैं, और इसी जिला में जो है टिड्डी डैम जैसा बड़ा बहुउद्देशीय योजना जो बन रहा है जिससे 26 गाँव को डुबाया जा रहा है, तो हम यही मजदूर और किसान के आधार पर उन्हीं के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस जिला को विकास करने के लिए हम काम करने का ये कटिबद्ध है। बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, वहाँ हाई प्रोफाइल चुनाव है, वहाँ खुद को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, यहाँ नाम का बड़ा बड़ा पार्टी है, नाम का बड़े बड़े नेता है, अभी गाँव में आप जाके देखिएगा तो चपाकल खराब है। जो सांसद है, जो बड़े बड़े नेता पार्टी जो है गाँव का चपाकल नहीं बना सकता है, यहाँ के पलायन को रोजगार नहीं रोक सकता है, ऐसे में ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टी जो है हमारे सामने में बौना है, क्योंकि आप गांव-गांव जाके देखेंगे तो मेरा जनता का अपार समर्थन है, लोग हमको जिताने के लिए चंदा कर रहे हैं और हम दावा करते हैं कि ये बड़े बड़े नेता और पार्टी को हम लोग हरा करके पश्चिमी सिंहभूम का आवाज़ दिल्ली में गूंजेगा हमारे पार्टी के द्वारा। स्वर्ण रेखा परियोजना यानी
ईचा डैम निर्माण का मुद्दा इस बार के चुनाव में हावी है और इसे हवा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। इसी परियोजना को लेकर चैबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था और भाजपा के लिए घातक साबित हुआ था। अब भाजपा एक बार फिर नए तरीके से इस मुद्दे को लेकर आई है और गेंद को गठबंधन के पाले में डाल दिया है। एक सप्ताह से ईचा डैम का मुद्दा गर्म है। ईचा खर के बांध विरोधी संघ ने इस मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस क्षेत्र के 87 गांव में झामुमो को नहीं घुसने देने का ऐलान किया है। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने भी इस क्षेत्र का दौरा करने के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा था। बांध के लिए झामुमो की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। आज तातनगर प्रखंड में बांध विरोधी संघ की बैठक हुई। इसके बाद हो भाषा में वीडियो बयान जारी किया गया। ईचा खर के बांध के मुद्दे पर हमने आज चैबासा के विधायक और झारखंड सरकार में हाल ही में मंत्री बने दीपक बिरुआ से बात की। उन्होंने कहा कि यह बांध केंद्र सरकार की योजना है, 3 राज्य इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा पर तंज कसते हुए कहा कि गठबंधन ने उन्हें सांसद बनाकर भेजा था, इसे रोकने के लिए संसद में उन्होंने क्या किया, जबकि झामुमो हमेशा मुखर होकर इसका विरोध किया है। वहीं रघुवर दास की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव कर दिया और फिर से डैम का काम शुरू हो गया था। गीता कोड़ा उसी भाजपा में शामिल होकर गठबंधन पर आरोप लगा रही हैं। जब से गठबंधन सरकार बनी है, बांध का कोई काम नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारी और ये मतलब महंगाई और ये सब पर बात नहीं करना। हम लोग लग रहा है कि ईचा डैम हम लोग बोल देंगे तो कायाकल्प हो जाएगा। ईचा डैम भारतीय जनता पार्टी का डैम है और ये भी उनको पता होना चाहिए। उनको जो है ना हम लोग सांसद बना के भेजे थे गठबंधन में, और चूंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना, ये 3 स्टेट का मामला है, झारखंड स्टेट का नहीं है। इसमें भारत सरकार को कोई निर्णय लेना है, और जब सांसद थी तो एक आध बार भी पार्लियामेंट में यदि धरना दिए रहती ये ईचा डैम को रद्द करने को लेकर तो हम इस बात को मान सकते थे। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाया, जुबा मैडम खुद उसकी गवाह है, इस कोलान क्षेत्र के सभी विधायक गवाह है। हम लोगों ने कितना मुखर होकर के इसका विरोध किया, और जो दिलीप बिल्ड को काम कर रहे थे उसमें जो अड़चने था उसको चिट्ठी निकलवा दी हम लोग की, जब तक ये चीज़ें जो चीज़ें गलत है उसको हम लोग कामें रखवा दी। और जहाँ तक बात है TSC में बांधू जी भी थे, मैं भी था, एक TSC के उप कमेटी बना था आकर SOP और इस सब में आकर के सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट हम लोग ने दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट में समा कंस्ट्रक्शन के खिलाफ में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है यदि उससे पेरियर कॉन्स्टेंट नहीं लिया गया है, जैसे ग्राम सभा है, मानकी मुंडा विल्केंसन रूल है, CNT एक्ट है, ये सारे चीज़ों का वायलेशन हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है और वो लोग से जब तक कंसेंट नहीं ली जाएगी तब तक ये काम नहीं होगा। ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, उसके बाद बंद हो गया। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार BJP के रघुवर दास जी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण कानून 2017 में लाया, जिसमें सेक्शन 3 में बोल दिया कि यदि कोई भी न्याय का निर्णय हो, न्यायाधिकरण का आदेश हो, या किसी भी तरह का कोई मामला हो या सब जुडिस हो मामला, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट यदि निर्णय लेता है, सरकार निर्णय लेता है, तो कोई भी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। ये सेक्शन 3 में जो भूमि अधिग्रहण कानून में जोड़ा, उसके कारण से ईचा डैम शुरू हुआ। तो शुरू करने वाला तो BJP है, भारतीय जनता पार्टी, और उसी पार्टी में जाकर के ईचा डैम का आरोप गठबंधन को लगा रही है। तो भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल है। पहले वो वहाँ जाके तो देखे कि क्या स्थिति है। आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब से सरकार बना एक भी ईटा वालू इधर उधर नहीं हुआ, और ईचा डैम कभी बना नहीं है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की भावना से वो जुड़े हुए नहीं है। और वोट बता देगा हम लोग ईचा डैम के विरोधी हैं कि वो ईचा डैम। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी ईचा डैम के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि यहाँ के लोग काफी सीधे और भोले भाले हैं,
इसलिए भाजपा यहां के लोगों को दिग्भ्रमित ना करे। ईचा डैम परियोजना केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र चाहे तो इसे बंद कर दे। चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। इसलिए लोग बीजेपी की चिकनी चुपड़ी बातों में न आए, ये लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और। देखिए जो ये ईचा डैम है, ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का देन है। योजना भी केंद्रीय योजना है और इसको काम कराने वाला भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। शिवराज सिंह चौहान क्या है, उनके बेटा या कोई यहाँ पर काम भी करा रहे हैं। तो ये सब जो काम हो रहा है तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का उसका छत्र छाया है। जहाँ तक बात है कि इस मसले को लेकर हम लोगों ने जब 2020 में माननीय विधायक आपके दीपक बिरुआ हम जब सदन में थे इस मामला को लाया गया था, तो इसको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जा करके ये पूरी चीज़ों को की, पूरा वहाँ का जो संस्कृति जमीन परंपरा से लेकर एटमोसफेयर में क्या होगा, क्या प्रभाव होगा, अभी जैसे दीपक जी आपको बता रहे हैं, इन चीज़ों चीज़ को भी हम लोग अध्ययन करने की बात इसके लिए हम लोग कहा था। देखिए इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास में और कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ों को एक तरफ से कहा जाए कि लोगों को दिग्भ्रमित करके ये डैम के संबंध में, क्योंकि अभी चुनाव का मामला है, ये चीज़ों को जनता को हम लोग समझाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोग आपका लोगों को दिग्भ्रमित वहाँ किए तो लोग। झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में मांगीलाल रुंगटा स्कूल चैबासा से नीतीश कुमार ने 83% हासिल कर विद्यालय टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में इस विद्यालय से नीतीश कुमार ने 415 अंक हासिल किया है, जबकि रामेश्वर गोप ने 409 अंक हासिल कर दूसरा स्थान और रंजन सिंकू ने 399 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा शिवम कुमार ने 394 अंक, दामो आल्डा ने 391 अंक, मयंक तापे ने 383 अंक, गुलशन हेम्ब्रम ने 381 अंक, घनश्याम बिड़ूली ने 373 अंक, निशा पूर्ति ने 372 अंक और मुनगा पूर्ति ने 369 अंक हासिल किया है। इस वर्ष 2024 में जैक 10वीं की परीक्षा में 90.39% विद्यार्थी सफल रहे। इस वर्ष 205,110 विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान, 153,000 विद्यार्थियों ने दूसरा स्थान और 19,555 विद्यार्थियों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस परीक्षा में ज्योत्सना ज्योति ने 99.2% लाकर राज्य टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है, जबकि सना संजोरी ने 98.6% के साथ दूसरा और करिश्मा कुमारी और सृष्टि सौम्या ने 98.4% हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आया आया नीलम शून्य स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शून्य स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चायवासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में चार पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी,
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज या सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चैबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चैबासा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय चैबासा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल के द्वारा बच्चों को एल्बेंडा जोल की दवा खिलाकर किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन ने कहा कि आज भी बहुतायत लोग कृमि तथा इसके कारण होने वाले अनेक जटिलताओं से पीड़ित रहते हैं। कृमि मनुष्य के आंत में पाया जाता है और जीवित रहने के लिए मानव शरीर के पोषक तत्व को खाता है। कृमि संक्रमण अस्वच्छता तथा संक्रमित मिट्टी के संपर्क द्वारा संचारित होता है, इसलिए इसके संक्रमण से बचने हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तिगत साफ सफाई, स्वच्छता तथा वर्ष में 2 बार NDD कार्यक्रम के दौरान स्वयं को डिवॉर्म करना आवश्यक है। सिविल सर्जन ने बताया कि शुक्रवार को सभी विद्यालयों में 6 वर्ष से 19 वर्ष के छात्रों को शिक्षकों के देखरेख में और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा दवा खिलाई जाएगी। इसके अलावा छूटे हुए सभी बच्चों को चिन्हित कर 26 अप्रैल को मॉपअप राउंड में भी दवा का सेवन कराया जाएगा। इस निमित्त सभी शिक्षकों, सेविकाओं, सहिया और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस के द्वारा नक्सली संगठन के विरुद्ध सोनवा, गोलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव के आसपास क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के दौरान भारी मात्रा में नगद राशि और नक्सली के द्वारा दैनिक उपयोग का सामान बरामद हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम के जिला पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और CRPF के विभिन्न बटालियनों के द्वारा सोनवा, गोलकेरा थाना और टोंटो थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में नक्सली संगठन के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 18 अप्रैल को सोनवा थाना के केराबीर और टेंडर साई के आसपास क्षेत्र में 27,000 रुपये नगद राशि, SLR राइफल सीलिंग, नक्सली पिट्ठू, मोबाइल, बैग, वर्दी, जूता, जीवन रक्षक दवाइयों के अलावा अन्य दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया गया है। कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील नक्सली संगठन के विरुद्ध जिला पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। चैबासा के गांधी मैदान में शुक्रवार को आजसू पार्टी के द्वारा सिंहभूम लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि सोरेन परिवार 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया। झामुमो जल, जंगल और जमीन की बात करती है, लेकिन राज्य को सिर्फ लूटने का काम किया है। इनका कोई भी एक विकास योजना राज्य में नहीं दिखता है। झामुमो MLA बना सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकते हैं। लोकसभा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड की वर्तमान की झामुमो सरकार ने 5 सालों तक सिर्फ यहां के लोगों को ठगने का काम किया है। आने वाले चुनाव में ठग बंधन की सरकार को सबक सिखाने का कार्य जनता करेगी। कि जो लोकसभा सामने है, जो लोकसभा की चुनौतियां है, उसको पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आत्मसात करते हुए वोट के रूप में चुनौतियों का जवाब देने की तैयारी और उसकी तैयारी में हम सभी लग जाएंगे। ये तैयारी हमारी है। मैं सामने जो गठबंधन की सरकार है और गठबंधन जो चुनाव में आया है, जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, इसका विचार करेंगे। क्योंकि 2019 का जनादेश जो इस प्रदेश में पड़ा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज चुके संयुक्त रूप से चुनाव न लड़ने का प्रतिफल है। और हम दोनों पार्टी इस चीज को महसूस करते हैं और आज फिर से संयुक्त रूप से हम इस पहल पर काम करना प्रारंभ किए हैं कि राष्ट्रीय फलक पर रीजनल विचारधारा को स्थापित करने की तैयारी और सोच को हम लोग बल देने का काम करेंगे। यही हमारी तैयारी केंद्र है। 500 साल बाद रामलला एक मंदिर पर स्थापित हुए, तो निश्चित रूप से ये भावना से जुड़े हुए जो हमारा भावना है, हमारा राम से जुड़ा हुआ है, तो ये एक विषय है जो लंबे समय तक इस विषय को लेकर लोगों में इस बात की हमेशा टिस रहती थी कि रामलला अभी भी हमारे टेंट पर उपस्थित है। तो ये एक पहला कोशिश ये हुआ कि देश की लगभग एक बड़ी, सबसे बड़ी 80% आबादी के आस्था का केंद्र रामलला जी 500 साल बाद अपने मंदिर पर विराजमान हुए।
ये मूल लोग हैं और इनकी शुरुआत मेरे संगठन से हुई है, झारखंड आंदोलन के कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं वो अपने आज के होने का, ये आज के होने का और इंडिया के अस्तित्व पर बात करें कि हमारे पास तो देश चलाने के लिए 10 साल का अनुभव है और नेतृत्व है जिस चेहरा को पूरे देश ने स्वीकार किया है। इंडिया को सबसे पहले बताना चाहिए कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिनको उन्हें चुनना है, देश प्रधानमंत्री का चयन करने जा रहा है तो प्रधानमंत्री का उनका चेहरा जिनका नहीं है, अभी तक कोई चेहरा सुनिश्चित नहीं किया है, वो केवल अलग अलग क्षेत्रीय गठबंधन को मिलाकर केवल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एनडीए को और प्रधानमंत्री जी को रोकने का केवल हथकंडा है, इससे ज्यादा कोई कमिटमेंट देश के प्रति नहीं है। पिछले भारत के तरक्की का जो तरक्की जिस रूप से हुआ है, इस 9 साल की वास्तविकता को निकाल के देखो कि भारत का, चूंकि भारत का कॉम्पिटिशन कहाँ पर होगा, ग्लोबली होगा, तो ग्लोबली लेवल में भारत आज किस स्थान पर पहुंच गया, ये बिना विकास किए तो नहीं पहुंच गया, केवल भाषण से तो चीजें तैयार नहीं हुए, कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज विश्व के स्तर पर खड़ा है और हमारा संकल्प है 47 तक विश्व के अग्रणी देशों में भारत शुमार होगा और उसकी तैयारी और उसकी नींव रखी जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि आप मुफ्त में अनाज बांटकर लोगों को पंगु बना रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे। इस राज्य की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, दोनों पर लड़ाई लड़ा जा रहा है, एक तो इतनी बड़ी गरीबी, इतना बड़ा देश, इसको राशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, साथ ही साथ देश को तरक्की के पथ पर आगे ले जाना, ये दो चुनौतियों पर हमारे मोदी जी और हम एनडीए के पार्ट हैं और हमने पूरे राज्यभर में निर्णय लिया है कि राज्यभर में पूरी पार्टी, चूंकि चुनाव 13-1 के अनुपात में लड़ा जा रहा है, 14 सीट पर लड़ेंगे। पिछले बार हम लोगों ने 12 सीट पर जीत हासिल की थी, इस बार का तैयारी है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने 400 सीट की बात की है तो हमारा भी उसका एक हिस्सा है कि हमें भी इस प्रदेश के अंदर 2 सीट जो हमारा पक्ष में मतदान नहीं हुआ था, 14 की 14 सीटों पर पार्टी और एनडीए के पक्ष में मतदान कराने की तैयारी है। आज सिमुंग आए हैं, हमारे झारखंड का सबसे ऐतिहासिक क्षेत्र है, आंदोलन का क्षेत्र और धरा रहा है, इसी धरती को पहला निर्णय देना पड़ेगा क्योंकि उसमें छुटा हुआ एक क्षेत्र में से ये भी था। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर, धन्यवाद।